रहीम स्टार्टिंग विद द ग्रेट नेम ऑफ अल्लाह हुज़ द मोस्ट बेनिफिशियल एंड मर्सीफुल। अस्सलामु अलैकुम। आई एम अक्सर नास फ्रॉम प्राइमरी विंग, योर मैथ्स टीचर। होप यू आर फाइन विद द ग्रेस ऑफ अल्लाह एंड गिविंग प्रॉपर कंसंट्रेशन टू योर स्टडीज। वेलकम टू द क्लास स्टूडेंट्स। जैसा कि हम अपनी प्रीवियस क्लास में यूनिट 1 स्टार्ट कर चुके हैं, नंबर एंड अर्थमेटिक ऑपरेशन, जिसमें हमने इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू चार्ट्स को डिस्कस किया और उसकी प्रैक्टिस भी की गई। होप यू विल रिमाइंड दीज दोज ऑल टॉपिक्स। अब हम उस प्रीवियस टॉपिक का असेसमेंट लेने जा रहे हैं। लेट्स हैव अ लुक ऑन दीज फ्यू क्वेश्चन दैट आर डिस्प्लेइंग ऑन योर स्क्रीन। क्वेश्चन नंबर 1 इज, हाउ मैनी डिजिट्स डू वी हैव फाउंड इन ईच पीरियड ऑफ इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू चार्ट। एक इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू चार्ट में एक पीरियड में कितने डिजिट्स होते हैं। होप यू विल फाइंड द राइट आंसर। And the right answer is 3 digits in each period. Now the question number 2. How many periods or houses are in 9 digit number according to International Place Value Chart? International Place Value Chart ke according 9 digit number mein kitne periods honge? Try to find the answer. Hope so you will find the right answer. And the right answer is 3 periods. Unit, thousand and millions. Now the question number 3 is displaying on your screen. What is the place value of 6 in 245,567,978? So, what will be the right answer? Try to find the answer. Ummeed hai ki aapne sahi jawab dhoond liya hoga. The right answer is 60,000. That means 10,000. इसकी प्लेस वैल्यू है अकॉर्डिंग टू इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू चार्ट। उम्मीद है कि आपने तमाम सवालात के जवाब ठीक दिए होंगे। अब हम चलते हैं अपनी आज की क्लास की तरफ और अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं। लेक्चर नंबर 2 में आज हम इन चार चीज़ों को डिस्कस करने वाले हैं और उनकी प्रैक्टिस करेंगे, जिसमें नंबर एंड वर्ड्स हैं 9 डिजिट नंबर्स, नंबर एंड फिगर्स हैं 9 डिजिट नंबर्स, रिंग डिजिट को डिस्कस करेंगे और उसकी प्रैक्टिस करेंगे अकॉर्डिंग टू इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू सिस्टम। और इसी तरह से स्पेसिंग दी जाएगी, यानी कि स्पेसिंग को यूज़ किया जाएगा 9 डिजिट नंबर्स के बीच में अकॉर्डिंग टू इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू सिस्टम। अब हम स्टार्ट करते हैं अपनी प्रैक्टिस। सॉल्व करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 1, जो कि है नंबर एंड वर्ड्स, यानी कि दिए गए नंबर्स को आपने वर्ड्स की सूरत में लिखना है। नंबर को वर्ड्स में लिखने से पहले भी आपको वही काम करना है जो पहले आपको सिखाया जा चुका है, कि आप हाउसेस को डिफरेंट को कैटेगराइज कर लें। जो फर्स्ट हाउस है वो आपका यूनिट हाउस होगा, जो सेकेंड हाउस है वो थाउजेंड होगा और आपका थर्ड हाउस मिलियन होगा। ये 9 डिजिट नंबर्स की बात की जा रही है। अगर आप इससे आगे मूव ऑन करेंगे तो आपके पास 12 डिजिट्स होंगे, 10 भी हो सकते हैं, 11 भी हो सकते हैं। तो मिलियन के बाद जो हाउस स्टार्ट होगा वो बिलियन होगा। फिलहाल हम 9 डिजिट को डिस्कस कर रहे हैं। हर हाउस में आपके पास 3 मेंबर्स होते हैं, जैसे कि यूनिट के हाउस में जो 3 मेंबर्स हैं उनके नाम क्या हैं, वंस, टेंस, मिलियंस। उसके बाद थाउजेंड के हाउस में जो मेंबर्स हैं वो क्या हैं, थाउजेंड, टेन थाउजेंड, हंड्रेड थाउजेंड। मिलियंस के हाउस के जो मेंबर हैं वो क्या है, मिलियंस, टेंस मिलियन और हंड्रेड मिलियन। लेट्स स्टार्ट टू सॉल्व द क्वेश्चन नंबर 1। 701 जो कि हमारे यूनिट का हाउस है, 634 जो कि हमारे थाउजेंड का हाउस है और 428 जो कि मिलियंस का हाउस है। तो हम आपको पहले बता चुके हैं कि जब आप नंबर लिखना स्टार्ट करते हैं प्लेस वैल्यू चार्ट में, तो आप स्टार्ट कहाँ से करते हैं, राइट साइड से स्टार्ट करते हैं। लेकिन जब आप पढ़ना स्टार्ट करते हैं तो आप उसको कहाँ से स्टार्ट करेंगे, लेफ्ट से स्टार्ट करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट रीडिंग दिस नंबर फ्रॉम द लेफ्ट साइड। सो हम इसको रीड करते हैं 428, उसके साथ एक मरतबा क्या लगा देंगे, मिलियन लगा देंगे। ऐसा नहीं है कि 400 मिलियन, 20 मिलियन और 8 मिलियन सबके साथ मिलियंस लिखा जाएगा, नहीं, 428 मिलियन एक मरतबा ही लिखेंगे। जैसे यहाँ पे लिखा गया है 428 और उसके साथ हम क्या लगा देंगे, मिलियन। ठीक है, ये फर्स्ट हाउस कंप्लीट हुआ तो हम कोमा यूज करेंगे। आपको जैसे कि पहले बताया था कोमा रिमूव कर दिया गया, स्पेसिंग यूज होती है, लेकिन कोमा इन वर्ड्स काउंटिंग में यूज होता है, फिगर्स में यूज नहीं होता। जैसे फिगर्स में आपको नजर आ रहा है स्पेस, फिगर्स में आपको स्पेस नजर आ रहा है, फिगर्स में यहाँ भी स्पेस नजर आ रहा है, फिगर्स में आप स्पेसिंग देंगे, जबकि इनवर्ड्स काउंटिंग में आप कोमा जरूर यूज करेंगे। 428 मिलियन, उसके बाद लिखा है 634 कौन से हाउस का मेंबर है, थाउजेंड के हाउस का, तो हम क्या लिखेंगे, 634,000, तो 634,000 हमने लिख दिया। फिर इसी तरह से कोमा लिखेंगे, उसके बाद अगेन यूनिट का हाउस है जिसमें लिखा हुआ है 701 जो कि क्या है, 701। इस तरह से आपका फर्स्ट सम कंप्लीट हो जाएगा।
अब हम चलते हैं सेकेंड स्तंभ पर, 1,500,000। सो 1 मिलियन आपके पास कितना यहाँ लिखा हुआ है, 1 मिलियन। सो 1 मिलियन की स्पेलिंग लिखेंगे हम। उसके बाद सेकेंड हाउस हमारे पास है 1,000 हाउस, जिसमें लिखा हुआ है 500। ठीक है, इसके टेंस के कॉलम में यानी कि 10,000 में और 1,000 के कॉलम में कुछ नहीं है, जीरो है, तो सिर्फ 500,000 होगा। तो हम लिख देंगे 500,000। आगे यूनिट के हाउस में भी आपको कोई वैल्यू नजर नहीं आ रही, जीरो है, तो इसका इन्वर्स कुछ इस तरह से बनेगा, 1,000,500, दैट्स इट। ठीक है, अब सेकेंड तीसरा सम है जिसमें हमारे पास लिखा हुआ नजर आ रहा है हमें, फर्स्ट हाउस जो कि हमारा यूनिट हाउस है, सेकेंड हमारा 1,000 और थर्ड हमारा मिलियंस है। अगर हम मिलियंस से स्टार्ट करते हैं तो हमारे पास ये है 1,600, यानी कि 16। इसमें फर्स्ट जो है वो मिलियन है, सेकेंड 10 मिलियन, और उसमें 100 मिलियन नजर नहीं आ रहा हमें। ठीक है, तो हम इसको किस तरह से लिखेंगे, 16 और आगे मिलियंस लगा देंगे। ठीक है, 16 मिलियंस, और आगे आपको नजर आ रहा है 1,000 हाउस में जीरो है, यूनिट हाउस में भी जीरो है। इसका मतलब कि आप सिर्फ 16 मिलियंस लिखेंगे, आगे कुछ भी नहीं है लिखने के लिए, तो 16 मिलियंस हमारा आंसर होगा। अब हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। नंबर इन फिगर्स, कुछ नंबर दिया गया है, दिए गए हैं इन वर्ड्स की सूरत में, आपको फिगर्स में लिख के दिखाने हैं। अगर इसको मैं लिखना स्टार्ट करूँ इस प्लेस वैल्यू चार्ट के अकॉर्डिंग, तो पहले हम प्लेस वैल्यू में फिल कर लेते हैं। लिखा हुआ है 1,900,000, 900,000 के बाद कोई भी यूनिट हाउस का मेंबर नहीं, दैट मीन्स यूनिट हाउस में क्या है, जीरो है, तो आपने पहले ही जीरो फिल कर दिए। ठीक है, उसके बाद आ जाते हैं नेक्स्ट पे, लिखा हुआ है 900,000, 900,000, तो मैंने यहाँ पर 1,000 के कॉलम में 900 फिल कर दिया, 900 एंड देन 1,000 फिल कर दिया। ठीक है, अब चलते हैं 1 मिलियन, इसमें सिर्फ 1 मिलियन, इसके आगे कोई भी 10 मिलियन 100 मिलियन नहीं है, तो सिर्फ 1 मिलियन के कॉलम में मैंने 1 लिख दिया है, और 10 मिलियन और 100 मिलियन के कॉलम में सिर्फ आप डैश लगा दीजिए या ब्लैंक छोड़ दे, क्योंकि वहां पे कोई भी वैल्यू नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ 7 डिजिट वैल्यू है। तो 1,900,000 इस तरह से लिखा जाएगा, 1 मिलियन आप स्पेस छोड़ दें क्योंकि मिलियन का हाउस कंप्लीट हो गया, फिर 900 लिखेंगे और फिर 1,000 के साथ यानी कि 3 जीरोज लगेंगे, क्योंकि आगे आपके पास यूनिट का हाउस खाली है, कुछ भी नहीं है। तो 1,900,000 इस तरह से लिखा जाएगा, ये हो गया आपका 1,000, ये हो गया यूनिट और यूनिट, और ये हो गया आपका मिलियन। ठीक है, 1,900,000। इस तरह हम सेकेंड सम को सॉल्व करते हैं, 840 मिलियन, 840 मिलियन को इस तरह से फिल किया जाएगा। अब यहाँ पर आपको नजर आ रहा है 840 मिलियन, दैट मीन्स ये मिलियंस पे खत्म हो चुका है, इसमें 1,000 भी नहीं है, इसमें यूनिट भी नहीं है, तो यूनिट के हाउस में भी हम पहले जीरो लगा लेते हैं सारे। ठीक है, और इस तरह 1,000 भी आपको आगे कुछ नजर नहीं आ रहा है इस इनवर्ड्स में, तो 1,000 के भी सारे कॉलम्स क्या जाएंगे, जीरो के साथ फिल हो जाएंगे, दैट मीन्स इन सब में क्या है, जीरो है। और आपके पास क्या लिखा हुआ है मिलियन के लिए, क्या है, 840, तो इसका 1 मिलियन, तो 40 के आगे कुछ भी नहीं है, 42, 43, 44 कुछ भी नहीं है, दैट मीन्स इसमें मिलियंस में भी कुछ नहीं है, जीरो है। 840, तो हम लिख देते हैं 800, ये रहा 40। ठीक है, 840, और ये हो गया आपका मिलियंस का हाउस। इसके बाद 1,000 पे चलते हैं, ब्लैंक यूनिट पे चलते हैं, ब्लैंक कुछ भी नहीं, तो 840,000 इस तरह से लिखा जाता है कि आप 840 लिख दीजिए और उसके साथ आप 6 जीरोस का इजाफा कर दें, जैसे कि मिलियंस में 6 जीरो लगते हैं, तो 840 और मिलियंस के आप कितने जीरो लगा देंगे, आगे 6 जीरोस लगा देंगे। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं नंबर 840 एंड देन 6 जीरोस आपने लगा दिए, तो आपका बन गया 840 मिलियंस। ठीक है, अब हम चलते हैं 700 मिलियन, 700 मिलियन की बात की जा रही है, मतलब इसमें भी कोई 1,000 नहीं है, इसमें कोई भी यूनिट नहीं है, आगे किसी चीज़ की कोई बात नहीं की 432,000 या 212, ऐसा कुछ भी नहीं है, दैट मीन्स इसमें भी सिर्फ मिलियंस हैं, मिलियंस के आगे मीन्स कोई एक्स्ट्रा 1,000 नहीं है। ठीक है, इतने 1,000 हैं और इतने यूनिट्स हैं जिसने आपके नंबर को कंप्लीट कर दिया, कोई एक्स्ट्रा 1,000, कोई एक्स्ट्रा यूनिट नहीं है जो कि आगे लगाओ, तो हमारे पास टोटल फुल वैल्यू क्या है, 700 मिलियन है, जो कंप्लीट वैल्यू है। ठीक है, इसके बाद एक्स्ट्रा 1,000 कोई नहीं बचता, दैट मीन्स इसमें कोई भी एक्स्ट्रा यूनिट नहीं है, वो जो यूनिट्स थे उन्होंने कंप्लीट एक नंबर बना दिया है, और नंबर क्या है, 700 मिलियन, और 1,000 के आगे भी कोई कोई 1,000 का मेंबर नजर नहीं आ रहा, हम क्या कर देंगे, इसमें भी जीरो लिख देंगे, और 700 मिलियन है, तो 700। ठीक है, 7 हमने 100 के कॉलम में लिखा, कोई 10 मिलियन नहीं है, कोई 1 मिलियन नहीं, तो 700 मिलियन हो गया, आगे आपको ब्लैंक नजर आ रहा है सब। ठीक है, तो दैट मींस ये 700 लिखने के बाद आप 6 जीरोज लगाएंगे ताकि आपका 700 मिलियन कंप्लीट हो जाए, तो आप 700 लिख के उसके बाद 6 जीरोज लगाएंगे ताकि आपका 700 मिलियन कंप्लीट हो जाए। ठीक है, इस तरह आपका ये 700 मिलियन कंप्लीट हो गया। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 2 जो हमने सॉल्व किया। अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। प्लेस वैल्यू ऑफ रिंग डिजिट, जिस जिस वैल्यू पर रिंग बना हुआ है आपको उसकी प्लेस वैल्यू बतानी है।
अब रीड करना हमें आ चुका है, हम बार बार रीड कर चुके हैं नंबर को, हम रीड करते हैं और फिर इसकी प्लेस वैल्यू लिखने की कोशिश करते हैं। फर्स्ट नंबर को मैं इस प्लेस वैल्यू चार्ट में फिल करूंगी और फिर सॉल्व करूंगी ताकि हमें थोड़ा समझने में आसानी हो। जैसे कि बताया गया है, लिखते वक्त हम कहाँ से स्टार्ट करेंगे, राइट से, और पढ़ते वक्त लेफ्ट से। राइट से स्टार्ट करते हैं, पहले मैं यहाँ फिल कर लेती हूँ। 3 2 6 4 4 2 एंड 3 3 9। ठीक है, इस तरह से फिल करने के बाद आप इसको अच्छे से देख सकते हैं कि आपकी जिस वैल्यू पर रिंग बना हुआ है यानी कि सर्कल बना हुआ है उसकी प्लेस वैल्यू क्या है। दैट मीन्स बात यहाँ पर किसकी की जा रही है, 3 की की जा रही है। तो 3 की प्लेस वैल्यू क्या है, ये मिलियन है। ठीक है, अगर आप इसको पूरा रीड अलाउड करें तो क्या बनेगा, 933 मिलियन, तो 3 मिलियन बना। ठीक है, 244,623। इस पूरे को रीड करने के बावजूद आप इस तरह से भी देख सकते हैं, वो भी पढ़ लीजिए और आप प्लेस वैल्यू के अकॉर्डिंग भी चेक कर लें कि क्या आ रहा है, मिलियन आ रहा है। तो 3 मिलियन है, आप लिख दीजिएगा यहाँ पर 3, आप इस तरह से लिख लें 3 मिलियंस, इस तरह लिख लीजिए, या फिर यूं कर लें 3 मिलियंस है। ठीक है, यूं भी कर दीजिए, या फिर आप इसके अलावा तीसरा काम कर सकते हैं कि 3 लिखने के बाद उसके साथ 6 जीरो का इजाफा कर दें तो भी आपका पता चल जाएगा कि 3 क्या है, मिलियन है। और कॉमास यूज़ नहीं करेंगे हम, यूज़ करेंगे स्पेसिंग को। तो ये हो गया आपका फर्स्ट हाउस, ये हो गया आपका सेकेंड हाउस, ये हो गया आपका थर्ड हाउस। ठीक है, इस तरह से पता चल रहा है कि 3 मिलियन के साथ आप 6 जीरो लगा के उसको फिगर में लिख दीजिए। मिलियंस में 6 जीरो आते हैं एक सिंगल मिलियन में, ये जैसे 3 मिलियन है, 4 मिलियन है, 5 मिलियन, इस तरह के मिलियंस में 6 जीरो आ जाएंगे। आप इस तरह से लिखें, प्लेस वैल्यू के अकॉर्डिंग लिखें या नंबर्स में लिखें, तीनों आंसर्स को करेक्ट कंसीडर किया जाएगा, राइट कंसीडर किया जाएगा। अब हम चलते हैं अपने सेकेंड सम की तरफ, उसको भी इसी तरह सॉल्व करते हैं। हम इसको पढ़ लेते हैं एक मतलब ताकि इजीली सॉल्व कर सके, बल्कि हम इसको प्लेस वैल्यू चार्ट में फिल कर लेते हैं। 0 से स्टार्ट करते हैं, 0 4 6 2 3 4 4 3 9। ठीक है, और हमें प्लेस वैल्यू किसकी फाइंड करनी है, यहाँ पर 8 है, सॉरी 8 है, इसके बाद इसको 8 कर लेते हैं। और अब हम इसकी प्लेस वैल्यू फाइंड करनी है तो हम 8 पे सर्कल बना देते हैं। ठीक है, लेट्स चेक इट आउट, इसको रीड करते हैं। 934,482,640। तो 482, 80 यानी कि ये टेंस है ना, तो आपको पता है टेंस में कौन सी वैल्यूज आती हैं जो 10 के लेवल में आती हैं, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80। तो ये 8 क्या है, आपका टेंस है, तो आप इसको कैसे पढ़ेंगे, 80 मिलियन, सॉरी 80,000। ठीक है, आप इसको 80,000 पढ़ें, 8 के साथ लिख दीजिए 10,000 है, ये भी कर सकते हैं, और 80,000 को नंबर्स में भी लिख सकते हैं यानी कि फिगर्स में भी लिख सकते हैं। अब लिख के बताती हूँ मैं, आप चाहें तो उसको यूँ लिखिए, ठीक है, 80,000 इस तरह से लिख लीजिए ऐसे करके कि बाकायदा फिगर्स में शो कर दिया, या फिर आप लिख दीजिए कि 8 क्या है, वो 10,000 है, यूं कर दीजिए, इस तरह से लिख दीजिए, या फिर आप इसको इस तरह से लिख दीजिए कि 80,000। ठीक है, आपके तीनों आंसर्स क्या होंगे, सही कंसिडर किए जाएंगे, तीनों आंसर सही होंगे, आप किसी भी तरह से प्लेस वैल्यू को बता सकते हैं। आप नेक्स्ट पे चलते हैं, 26,432 एंड 948, इसको पढ़ेंगे किस तरह से, ये आपका यूनिट है, ये आपका थाउजेंड है, और ये मिलियन है। तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं, 26,432,948। यूनिट हाउस का जो फर्स्ट मेंबर होता है, आपको पहले भी बता चुके हैं कि वो क्या होगा, वो यूनिट हाउस का जो फर्स्ट मेंबर होता है वो क्या कहलाता है, वंस कहलाता है, जैसे यहाँ नजर आ रहा है आपको, वंस कहलाता है। तो ये वंस क्यों कहलाता है, पहले भी बता चुके हैं, क्योंकि ये क्या आता है, वन के टेबल्स के मल्टीपल होते हैं, जैसे 0, 1, 2, 3, 4, 9 तक तमाम नंबर जो वन के टेबल में आते हैं, 9 वन के टेबल के मल्टीपल्स होते हैं, उन्हें वंस कहा जाता है। तो ये 8 हमारा क्या है, वंस है, तो आप यहाँ पे लिख दीजिए 8 क्या है, वंस है, इस तरह से आप लिख दीजिए। ठीक है, या फिर सिंपल आप यूँ लिख दीजिए कि 8, ये 8 है, बस इस तरह से भी लिख सकते हैं। तो ये दोनों आपके आंसर्स क्या होंगे, ठीक होंगे। अब हम अपना क्वेश्चन नंबर 4 जो कि लास्ट क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में कहा गया स्पेसिंग अकॉर्डिंग टू इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू सिस्टम, स्पेसिंग देनी है अकॉर्डिंग टू इंटरनेशनल सिस्टम के, यानी कि इंटरनेशनल सिस्टम को फॉलो कीजिए और स्पेसिंग यूज़ कीजिए। दोबारा रिव्यू दे देती हूँ आपके इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू सिस्टम में, याद रखिएगा हर हाउस में 3 मेंबर्स होते हैं, और आप स्टार्ट कहाँ से करेंगे, नंबर्स को स्पेसिंग करना यूनिट हाउस से स्टार्ट करेंगे। तो यूनिट हाउस में अगर 3 मेंबर्स हैं तो ये यूनिट हाउस के मेंबर्स हो गए, फिर नेक्स्ट 3 जो है वो 1,000 के हो गए, और जो लास्ट में 2 बचे वो किसके हो गए, मिलियंस के, क्योंकि कितने डिजिट का नंबर है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। यहाँ पर मिलियंस में 3 मेंबर्स आ रहे हैं क्योंकि 9 डिजिट नंबर के हिसाब से बना हुआ है, जबकि यहाँ पे 8 डिजिट्स हैं। ठीक है,
तो ये हमारा हो गया, इसकी प्लेसिंग हम कुछ इस तरह से करेंगे, 42,348,000 और उसके बाद 469, तो ये आपकी स्पेसिंग कर दी हमने और उसके बाद ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, कोमाज यूज़ नहीं की जाएंगे, स्पेसिंग की जाएगी हमारा आंसर। सेकंड में चलते हैं, इसको भी इसी तरह से करेंगे, स्पेसिंग यूज़ की जाएगी। 219 हमारा क्या है, यूनिट, उसके बाद 284 हमारा क्या है, थाउजेंड, और 342 हमारा क्या है, मिलियन। इस तरह से इन तीनों के बीच में स्पेसिंग करके हमने इसको भी आंसर दे दिया, 342 मिलियन, 284,000, 219। आप कोशिश करें कि जिस तरह मैं पढ़ा रही हूँ आप साथ साथ पढ़ते रहें, ताकि आपको भी ये रीड करना आ जाए और आप इस अच्छे से इस टॉपिक को समझ लें। अब हम चलते हैं अपने थर्ड सम की तरफ, इसको भी इसी तरह से रीड करेंगे और फिर हम पढ़ेंगे। पहले हम डिजिट्स काउंट करते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9 डिजिट्स हैं, दैट मीन्स 3 3 ईच हाउस में होंगे, एक पीरियड में होंगे, तो इजीली हम लिख सकते हैं 9 9 9, देन स्पेस, उसके बाद 1 8 6 स्पेस एंड 4 0 2 स्पेस आंसर। ठीक है, अब इसको पढ़ेंगे किस तरह से, 999 मिलियन, 186,000 लगा देंगे, 402 ये आपका यूनिट है। इसी तरह से ये चौथा सवाल है, इसको भी सॉल्व कर लेते हैं कुछ इसी तरह से। ये यूनिट हाउस हो गया, उसके बाद 3 जो नेक्स्ट है वो 1,000 हो गया, और जो लास्ट में 2 बचे वो हमारे मिलियन के हाउस के हो गए। ठीक है, क्योंकि 8 डिजिट नंबर है इसलिए इसमें 100 मिलियन नहीं है। अब इसको लिखेंगे किस तरह से, 44 मिलियन, 241,000 एंड 20। ठीक है, तो इसमें यहाँ पे आपको नजर आ रहा है 100 के कॉलम में 0 है, दैट मीन्स इसको हमने सिर्फ इसीलिए एंड 20 पढ़ा। ठीक है, ये हमारा हो गया चौथा सवाल। आज की क्लास में हमने चार चीज़ों को डिस्कस किया, और वो चार चीज़ें थी, नंबर इन वर्ड्स, नंबर को इन वर्ड्स में किस तरह से लिखा जा सकता है, 9 डिजिट नंबर की प्रैक्टिस की गई। नंबर को फिगर्स में किस तरह लिखा जा सकता है, 9 डिजिट नंबर की प्रैक्टिस की गई। रिंग डिजिट को पढ़ा गया कि प्लेस वैल्यू कैसे लिखेंगे, और स्पेसिंग की गई नंबर्स के बीच में अकॉर्डिंग टू इंटरनेशनल सिस्टम। इसी से रिगार्डिंग आपको असाइनमेंट दिए जा रहे हैं और आपको जो कंप्लीट करने होंगे। इट्स टाइम फॉर होमवर्क असाइनमेंट, एंड योर असाइनमेंट नंबर 1 इज डू क्वेश्चन नंबर 3 ऑन बुक पेज नंबर 4, एंड डू क्वेश्चन नंबर 8 पार्ट ए टू डी फ्रॉम बुक पेज नंबर 4 ऑन योर नोटबुक। ऑल ऑफ यू शुड हैव टू कंप्लीट योर असाइनमेंट्स, बिकॉज मार्क्स विल बी अवॉर्डेड ऑन बिहाफ ऑफ दी सबमिटेड असाइनमेंट्स। टिल द नेक्स्ट क्लास, डू प्रैक्टिसिंग एंड टेक केयर ऑफ योर सेल्व एंड योर फैमिलीज। अस्सलामु अलैकुम।